सो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं ब्रिज के करीब। हाय एवरीवन, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये है ओंकारेश्वर का सेकंड पार्ट। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चेकआउट कर लीजिए गाइस। सो गाइस, हम अभी पहुंच चुके हैं भारत की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान पर। हाय बोल दे। हाय हाय बोल दे एक बार। क्या नाम है? मीनाक्षी। बोलो ओंकारेश्वर बाबा की जय, भारत माता की जय। सो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं ब्रिज के करीब, और आपको बताते हैं ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है। खतरनाक ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज है। कहाँ टिप्पल? वो वहाँ पे है, वो वहाँ बैठे हैं हमारे भोलेनाथ। ये सामने बना हुआ है गाइस डैम, ओंकारेश्वर का डैम है। ये इधर बोटिंग चल रही है, बढ़िया। गाइस ये यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है, हैंगिंग ब्रिज, और इस ब्रिज का नाम है ममलेश्वर सेतु ब्रिज। और इस ब्रिज की लंबाई है 235 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर लगभग। सो दोस्तों, इंडिया में ऐसे बहुत कम ब्रिज देखने को मिलते हैं। वैसे ये हैंगिंग ब्रिज को सस्पेंशन ब्रिज भी कहा जाता है टेक्निकल भाषा में गाइस। और इसको मतलब दो कॉलम हैं, आइट साइड खड़े हैं, उन पर ही टिका हुआ है पूरा ब्रिज, और रस्सों से बांधा गया है इसको। लगभग 48 mm का रस्सा है उससे बांधा गया है। और गाइस, इस ब्रिज के ठीक नीचे से माँ नर्मदा नदी गुजरती है गाइस, और इसके जस्ट ऊपर, ये ब्रिज के जस्ट सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर डैम बना हुआ है, ओंकारेश्वर डैम के नाम से है। यहाँ पर बिजली का उत्पादन 520 मेगावाट होता है। टोटल 8 टर्बाइन लगे हैं यहाँ, तो एक टर्बाइन है 65 मेगावाट का, तो ऐसे करके 520 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है इस डैम में गाइस। सो गाइस, इस ब्रिज की लंबाई है 235 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है गाइस, तो सफिशियंट स्पेस है चलने के लिए, जगह भी बहुत है। और वैसे आप आए तो संडे को आए, बहुत बढ़िया रहेगा। ये लाइन है दर्शन करने के लिए जाने के लिए, और ये इधर से आ रहे हैं दर्शन करके वापस रिटर्न। हम अभी लाइन में लगे हैं और टाइम हो रहा है करीब 2 बज रहे हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है दर्शन के लिए। बहुत बड़ी लाइन लगी है गाइस।
टाइम से नीचे है, आप देखते हैं दर्शन में कितना टाइम लगता है। वो ब्रिज भी इधर आए, ब्रिज देखते बने का की जय। एक बार और जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम बाहर की साइट आ चुके हैं मंदिर के, और यहाँ बाहर की साइट आप आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रसादी वगैरह मिल जाएगी। लड्डू आएंगे, 4 लड्डू 50 रुपये के और 8 लड्डू 100 रुपये के आएंगे, तो आप यहाँ से प्रसादी वगैरह ले सकते हैं। और ये स्क्रीन लगी है यहाँ पर, भोलेनाथ जी के दर्शन भी कर सकते हैं आप। ठीक है गाइस, तो ये बाहर की साइट का कुछ व्यू है। एवरीवन, ये भाई का जूता घूम गया है। आप कभी भी आएं तो जूता स्टैंड पर ही अपने जूते रखें गाइस। तो फाइनली दोस्तों, दर्शन हो चुके हैं हमारे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के और हम अब निकल चुके हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए गाइस। ये है दोस्तों हैंगिंग ब्रिज, जिसे आप झूला ब्रिज भी कह सकते हैं। बीच में इसके कोई सपोर्ट नहीं है, केवल हाइट साइड में 2 कॉलम खड़े हुए हैं और इसे रस्सों से बांधा गया है गाइस। Thank you.
गाइस आप खरीदारी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया दुकानें लगी हैं यहाँ पे। सो दोस्तों, आप लोगों को यदि शिवलिंग मंदिरों के लिए ख़रीदना है तो यहाँ ओंकारेश्वर में मिल जाएगी, बहुत बढ़िया बड़ी बड़ी शिवलिंग है यहाँ पे। चलो अब कुल्फी खावांगा, फिर चाय पिया। हाँ कुल्फी ले ले यार, कुल्फी कुल्फी ले ले। चलो निकल जाएगी पार्किंग से बाहर, बढ़िया। अरे माँ की पूरी गर्म आग हो गई थी, क्या गर्म हो गई गाड़ी। YouTube पे देखो सनावर में कहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं और अब जा रहे हैं घर की ओर, है ना। ठीक है, और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।